वेलकम व्यूवर्स, मेरी आज की वीडियो ब्यूटी क्रीम के बारे में है जो कि केमिकल से पाक है। मैंने पहले भी एक वीडियो ब्यूटी क्रीम के बारे में बनाई थी और साथ ही एक ड्रॉप्स भी बताए थे। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ ताकि आप देखना चाहें तो देख सकें। तो व्यूवर्स, आज मैं आपको जिस क्रीम के बारे में बताने वाली हूँ वो बहुत ही अच्छी और केमिकल से पाक क्रीम है और इसके यूज़ मैं आपको बता देती हूँ। ये क्रीम कील महासों, चाइयों और के लिए बहुत मुफीद है। इसके अलावा मर्दों में शेव करने के नतीजे में रेडनेस हो जाए अगर, या फिर कोई कट लग जाए उसके लिए भी बहुत अच्छी है। मर्दों और औरतों का रंग काला हो जाए अगर धूप की वजह से काला हो जाए, या बाज़ लोगों का रंग सर्दियों में काला होता है, सर्दियों में ड्राइनेस की वजह से रंग काला हो जाता है, उसके लिए ये बहुत अच्छी है। इसके अलावा ये छाइयों के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, बहुत अच्छी है। कील महासे दूर करती है। आप इसको जिल्द में, अगर जिल्द ड्राइनेस की वजह से कट भी लग जाते हैं बाज़ का जिल्द पे, उसके लिए बहुत मुफीद है। इस क्रीम को आप दिन में सुबह शाम लगाएं। ये क्रीम आप चेहरे पे लगाने के साथ साथ आप गर्दन पर भी ज़रूर लगाएं ताकि आपके चेहरे और गर्दन का रंग एक जैसा रहे। और इसको आप हाथों और बाज़ों पर भी यूज़ कर सकते हैं, पाँव पर भी लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो इस क्रीम से आपको बहुत सारी मसाइल से छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा आप ड्रॉप्स जो मैंने पहले भी वीडियो में बताए थे, इग्नेशिया क्यू, वो यूज़ करें दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम यूज़ करें। 10-10 कतरे एक घूंट या कुछ थोड़े से घूंट पानी में मिलाकर उसको यूज़ करें साथ क्रीम के साथ साथ। व्यूवर्स, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको मेरी आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो बआसानी मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।